आप ये समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये पैरों के ऊपर ऐसे ताली तो कभी बजाई हुई सुनी नहीं, हम हाथों को ऐसे ताली तो जरूर बजाते हैं। और इस ताली का महत्व स्टेज पर चढ़े हुए व्यक्ति से आप पूछिए जो आपके जोश को उस ताली के माध्यम से प्राप्त करता है। और ये ताली जो है ये आपके उत्साह के संचार को दिखाती है, आपके शरीर के ब्लड के सर्कुलेशन को दिखाती है और आपके सोचने समझने की शक्ति को बताती है। तो अगर ताली आप नियमित रूप से बजाते हैं, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इससे कंट्रोल में आता है और आपके हाथों के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक स्टिमुलेशन, एक ताकत, एक पावर मिलता है। लेकिन आज हमारी चर्चा केवल उस ताली की नहीं है, आज हमारी चर्चा एक ढोलक ताली की है। ढोलक ताली नाम हमने ही दिया, पहले भी हमारे जो जितने भी योग शिविर हैं उसमें इसको यूज करते हैं, इसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। और ये आज का जो विषय है ये इसीलिए ढोलक ताली का ले रहे हैं कि हम समय समय पर किसी चीज को याद दिलवाते रहे तो आपको याद आती रहे। पैर के तलवे और हाथ की जो हथेलियां हैं ये दोनों के दोनों हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट के सुजोग थेरेपी के पॉइंट्स का एक पूरा हब है। और ये हब अगर हम रोज मजबूत रखें, रोज इसको स्टिमुलेट करें तो हमारे ऑर्गन्स तक एक वाइब्रेशन पहुंचेगी। और क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम है, हमारे पास बड़ा टाइम नहीं है, तो छोटे टाइम में जो है छोटी सी क्रिया से बड़ा लाभ ऐसा प्राप्त करें, ऐसी एक अपेक्षा मेरी है। तो आज की बात है हमारी ढोलक ताली के ऊपर। ये ढोलक ताली, इसमें गोमुखासन में हमें बैठना चाहिए, दोनों पांव की जो तलवे हैं वो ऊपर की ओर होंगे। तलवे हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने के लिए तलवों को अगर रोज मजबूत करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा बुढ़ापा जो है वो पैरों से शुरू होता है और पैर का अगर रक्त संचरण हम मजबूत कर दें तो हमारा वो बुढ़ापा जो है वो उसमें थोड़ी टाइमिंग जो है वो लगेगी, जवानी जो है वो बनी रहेगी। तो ये जवानी बनाए रखने के लिए, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन चलते रहने के लिए हमें ये ढोलक ताली जो है रोज नियमित रूप से सुबह और शाम करनी चाहिए। आप एक बार करके देखिएगा, फिर इसका आनंद जो है वो आप देखिएगा कितना आपको पैरों की सुन। शुरुआत में करूं अगर यहां की पहचान की तो पैरों में सुन, पैरों में जलन, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, पैरों में थकान का, पिंडलियों में ऐंठन, पिंडलियों का टाइटनेस, पेट का टाइटनेस, इन सब चीजों में ये केवल एक ढोलक ताली जो है ये आपको इफेक्ट देगी। साथ में इसके अलावा जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे बाएं पैर में जो मूल रूप से हार्ट का पॉइंट है, फेफड़े तो दोनों पैरों में पॉइंट है, जो हार्ट का पॉइंट है, दाहिने पैर में लीवर का पॉइंट है, और इन पॉइंट्स के ऊपर आप रोज ऐसे ताली बजाएंगे तो हाथ की ताली वाला फायदा भी मिल गया और पैर की ताली वाला फायदा भी मिल गया। यानी शरीर के चारों जो हिस्से हैं उनको एक ही टाइम में, वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइम का, वन टाइम, एक बार आपने इसको एक साथ ये कर दिया तो आपके शरीर के रक्त का संचरण जो है इस ताली से बहुत परफेक्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूं मेरे साथ बैठे बैठे ही अगर आप इसका अभ्यास करते हैं और आप इसके अभ्यास का आप देखिएगा आनंद नहीं मिले तो मुझे कह दीजिएगा, उठ के चलेंगे और एक नई एनर्जी का भाव नहीं मिले तो मुझे बताइएगा। ये ढोलक ताली है, ये बहुत इफेक्टिव है और इसका आप आनंद लीजिए। और ये जो पैर के तलवे हैं इनमें ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचाइए, क्योंकि हमारे हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे ठंडे रहते हैं, जिनके पैर के तलवे हाथ की हथेलियां ठंडी रहे उनका ब्लड सर्कुलेशन ये मान के चलिए वहां तक पहुंचना बंद हो गया है। कहा जाता है जिसके हाथ पैर हो गर्म, पेट हो नरम, सिर हो ठंडा, वो बीमारी को मारे डंडा। तो हमारे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, ये हाथ पैर गर्म रहने चाहिए और ये अभ्यास अगर हम नियमित रूप से करेंगे तो हमारे हाथ पैर गर्म होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो तंतु है यहां तक ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचेगा। शरीर में मालिश जो है वो, मसाज जो है वो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मसाज करने से हम शरीर की वायु को निष्कासित कर सकते हैं, वायु को खत्म कर सकते हैं। तो ये पैर और हाथों की एक तरीके की मसाज है और इस मसाज से हम हमारे शरीर की वायु को खत्म कर सकते हैं, ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। ये प्रयास अगर करें और किसी भी उम्र के लोग करें और उसका लाभ प्राप्त करें, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हम आपके लिए समय समय पर लेकर आते रहते हैं, आपको लाभ मिले ऐसी अपेक्षा हम हमेशा करते हैं। तो अब दीजिए इजाजत मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।